सर गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग भाई। तू है कहाँ? अक्षय? अक्षय कौन है? आदित्य? हाँ एक्चुअली है ही नहीं। कौन हाँ मैं गुप्ता। कनेक्ट हो? श्रुति की बात रहती है और श्रेया पर कोई इन्फॉर्म सुनो बोलो। सर। नहीं 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 सुनेंगे, नहीं सर, सुनेंगे, नहीं आपने सुनेंगे। 11th वाला क्वेश्चन करवाया था ना सर? क्वेश्चन नंबर बता। सर 11th करवाया था ना, उसमें रिमेनिंग शेयर आपने ऐसे कैसे निकाला? सर अपन ऐसे भी कर सकते हैं ना, 1/3, क्योंकि 2/3 तो ऊपर लिंक्स ने ले लिया था, तो अपन 1/3 को इंटू कर सकते थे ना सर, तो भी आ रहा था। वैसे भी ले सकते थे दो तरीके उसके। सर सर आप एक काम कर सकते हो सर, बोलो। आपके पास जेब्रोनिक्स वाले ईयरबड्स है ना आपके पास? मेरे पास नहीं जेब्रोनिक। एक बार हाँ वो आप वो यूज कर सकते हो, जिससे आपको लैपटॉप भी कनेक्ट करना नहीं पड़ेगा और खाली फोन से हो जाएगा, आपको ऑडियो भी सुनाई देगी और आप बोल भी सकते हो। नहीं सुनाई देगा बेटा। नहीं क्योंकि नीरज सर पढ़ाते हैं ना सैमसंग बड्स से, उसमें कनेक्ट हो जाता है ब्लूटूथ से और बोलते भी और सुनते भी हैं। तो बेटा वहां की वॉइस प्रॉपरली आती होगी ना? चलो मैं एक बार करके देखूंगा उस ब्लूटूथ से वॉइस। मुझे लगता नहीं कि क्लियरली आएगी। एक बार ट्राई करके देख लेना सर। एक बार श्रुति दोनों को इन्फॉर्म करो, श्रेया और अदी को। मैं स्टार्ट करता हूँ 2 मिनट में क्लास। हाँ जतिन अपन क्या बात कर रहे थे? कुछ नहीं बस ऐसे आजकल। और तू बता क्या कट गया तेरा, क्या हुआ रे? हाँ सर दोनों आ रहे बात हैं। कर स्कूल का विचार है क्या आदित्य खुलने का? अरे परीक्षा है तो है, 9 to 12 जा सकते हैं स्कूल, पर कुछ नहीं होगा रे यार। मेरे आज जो मैंने स्टेटस लगाया वो देखा कि आज का पेपर पढ़ा दैनिक भास्कर, नहीं पेपर ही नहीं आता हमारे। आज क्या हुआ कि अजमेर में अपने इन्होंने मीडिया वालों ने क्या छापा कि 86 पॉजिटिव है और एक की मौत हो गई, ठीक है। और असली में जब जयपुर से रिपोर्ट आई ना, उसमें हकीकत ये थी कि 86 की जगह 265 पॉजिटिव है और एक मौत की जगह 11 मौतें हुई हैं अजमेर में। जब ऐसा हाल है तो स्कूल खोल भी जाएगी तो क्या जाएगा स्कूल को? अरे पंचायती श्रेय आ गई, एक रिद्धि और। सर लक्ष्य अकाउंट्स में नहीं आया सर, तो इको में भी नहीं आएगा शायद, पता क्यों क्या हुआ? नहीं आ रही नहीं सर। दो दिन कितने दिन से नहीं आ रहा? पुराने सर, सर कल भी नहीं आया था, आज भी नहीं आया। कौन ठीक है ठीक है। सा उष्मिता भी उष्मिता तो भाग काफी दिन से नहीं आ रही ना। हाँ सर। ठीक है बात कर लेंगे उनके पेरेंट्स से। कितना टाइम होगा? लगभग 8-10 दिन हो गए। हाँ मैंने सर उष्मिता को तो बहुत टाइम। 2 सितंबर से स्टार्ट किया था ना, 2 दिन फिर ऑफर की थी शायद। आज 9 हो गए, 7 दिन सर, मतलब उनके एक दो कितने दिन तो पास आई थी सर वो, आई थी 1-2 दिन। एक दो दिन तो आई थी सर बीच। हाँ एक दो दिन आई थी फिर नहीं आई सर। अच्छा ठीक है फिर बात करते हैं इनसे। रिद्धि आ रही है क्या? एक बार कंफर्म कर दो ना, तो मैं रुकू नहीं तो फिर चलो। सर क्या श्रेया बेटा आपकी वॉइस नहीं आ रही मुझे प्रॉपरली? मैंने रिद्धि को मैसेज कर दिया, उसने सीन नहीं किया। कॉल कर दे बेटा, पैसे मिल क्या अकाउंट में? कॉल कर दे। अरे सर है सर, पर वो उठाती नहीं है सर। उसको सर एक दो कॉल कर दिया, उठाती नहीं। क्या मतलब है तुम्हारी ऐसी दोस्ती का? फोन तो उठाते नहीं। एक दो मारती है सर, तो मैं क्यों करूँ? ब्रेकअप कर लो आप लोग, कोई मतलब नहीं आपकी दोस्ती का। ऐसे ऐसी कौन दोस्त होती है जो फोन नहीं उठाती? नहीं उठा रही तो चलो भाव खा रही। आपने किया श्रुति ने किया क्या कॉल उसे? नहीं तो मैं करूँ फिर। चलो अभी कनेक्ट करने के लिए बोलते हैं। सर आप करो सर, एक बार आप उसको डालो सर। मैं करता हूँ, एक सेकंड वेट। लक्ष्य जतिन कॉल किया था तुमने लक्ष्य को? हेलो रिद्धि कनेक्ट हो जाओ। एक जतिन सर क्या पूछ रहे हैं? जतिन सर क्या पूछ रहे हैं? लक्ष्य से बात की थी क्या आपने?
सर कल करी थी, आज तो मैंने मैसेज किया था, रिप्लाई नहीं आया सर। ठीक है वो कॉल वापस कर रहा हूँ, कर लो अगर कनेक्ट होता, नहीं तो फिर मैं स्टार्ट कर दूँ। चलो मैं स्टार्ट कर ही देता हूँ यार, छोड़ो सर, अब तो घर पे बुला लो, घर पे बुला ले सर, स्कूल भी खुलने वाली है, अब तो 21 सर, अब तो बुला लो। बोला क्या स्कूल वाले ने बच्चा? सर नहीं खुलेगी स्कूल अभी। अरे सर न्यूज आ गया ना, 21 सितंबर से खुल जाएगी। हाँ सर 21 से बोल रहे हैं सर, इतनी जल्दी मुझे भेजना कहाँ से, कुछ कटिंग वटिंग आया क्या पेपर वेपर का? सर कल से इतने सारे आर्टिकल आ रहे हैं। हाँ सर आर्टिकल्स से आर्टिकल्स आ रहे हैं, 2-3 आ गए। कल से ट्वीट आ गया ना सर, आपको मैं भेज दूंगा। ठीक है मुझे गुप्ता भेज। हाँ हाँ हमारा रिपोर्टर ले रहे हैं सर, खबर तो यूं लो आप एंड टू एंड। तो मैं भेजूं अभी, मेरे पास है स्क्रीनशॉट। हाँ भेज देना, थोड़ी देर के बाद भेज देना, मतलब क्लास के बाद मुझे एक बार जरूर भेज देना, कोई भी एक जना भेज देना। Okay, पता है एक एक चीज और है कि है ना, हर क्लास में लॉकर होना चाहिए, हमारे तो डस्टबिन भी नहीं है। क्या होना चाहिए क्लास में? लॉकर, लॉकर वहां पे स्टूडेंट के, हां स्टूडेंट के लिए लॉकर, पता नहीं गाइडलाइन गाइडलाइन सर, गाइडलाइंस में ये भी आया है कि ना 6 feet का डिफरेंस होगा हर बच्चे में। अच्छा तो स्कूल ही नहीं है, ये हो सकता है एमओएस स्कूल में, तो ये हो सकता है कि वो तीन तीन क्लासेस लगा दें एक बैच की। और बोल रहे हैं कि ना थ्रू आउट आपको मास्क पहन के रखना है, 20-20 मिनट्स में सैनिटाइज करना है, ये करना है वो करना है। पापा तो भेजेंगे नहीं सर, मेरे को तो किसी को नहीं भेजेंगे, मेरा तो मना, कोई नहीं जाएगा। अरे नहीं किस को कर से, हम लोग के स्कूल में बहुत लोग रेडी हैं। अच्छा बहुत बच्चे रेडी है जाने के लिए। भैया की शादी है नवंबर तक, मतलब तक नहीं आऊंगा, नवंबर तक नहीं जाएगा। जतिन तो वैसे फ्री, जतिन तो वैसे ही कौन सा स्कूल जाता था। अरे सर आदित्य बैठा ना सर, हमारे सर सारे बच्चे जाएंगे, सारे बच्चे जाएंगे सर, अगर नहीं जाएंगे तो एब्सेंट लगेगी क्या? अरे मस्त रहो, कोई कुछ टेंशन नहीं है तुम्हारे इस साल का, इस साल तो मौज बनाओ तुम। एब्सेंट तो लगेगी बेटा, एब्सेंट तो अभी साल भी शॉर्ट हो जाएगा मेरी एब्सेंट, एब्सेंट तो अभी भी शॉर्ट हो जाएगी। अटेंडेंस कभी आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हो तब भी लगती होगी स्कूल की? हां नहीं सर नहीं लगती। देखो मैं एमआईएस की तो सच बता दूं, एमआईएस में नीरज सर ने बोल रखा है सुबह 7:30 बजे अटेंडेंस भेज देना मेरे को, और कुछ मतलब नहीं है, 70 बच्चे अटेंडेंस भेजते ही नहीं है, मेरे को तो सर ने खुद ने मना कर दिया, लोग अटेंडेंस लेंगे क्या? कोई नहीं लेगा यार अटेंडेंस, कौन लेता है? मयूर में कोई नहीं लेता है, मयूर का एमएसएस में ले रहे हैं मेहमाना है, मयूर तो स्ट्रिक्ट है बेटा, आप एमआईएस और एमएसएस वालों की बात ना सुनना, मयूर तो स्ट्रिक्ट है, आपको तो लेनी पड़ेगी क्लासेस। चलिए हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बजट डेफिसिट को लेकर के, और ये बजट डेफिसिट के बारे में हम लोगों ने कल थोड़ी सी चर्चा की थी, किसी बच्चे को याद है बजट डेफिसिट क्या होता है बच्चा? जब कभी गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट की रिसिप्ट से ज्यादा होते हैं, इट इज अ सिचुएशन व्हेन बजट एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट आर ग्रेटर देन द बजट रिसिप्ट। गवर्नमेंट की जो बजटेड एक्सपेंडिचर है अपकमिंग ईयर के, अगर वो बजट रिसिप्ट से ज्यादा आ जाता है, बजट रिसिप्ट जो कि आने वाले साल में जो पैसा रिसीव होना है गवर्नमेंट को, उससे ज्यादा अगर बजट एक्सपेंडिचर आ जाता है बेटा, तो उसे हम लोग कहते हैं बजट डेफिसिट। इसका एक फॉर्मूला है बजट एक्सपेंडिचर माइनस बजट रिसिप्ट। बजट एक्सपेंडिचर में दोनों टाइप के एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, दोनों टाइप के एक्सपेंडिचर आ जाएंगे यहाँ पे, आर ई प्लस सी ई माइनस बजट रिसिप्ट में आएगी दो टाइप की रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है ये सारी बातें इसने यहाँ लीन से लिख रखी है। कितने टाइप का बजट डेफिसिट होता है ये है बच्चा मैन, और इसी के बाद हमारा पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। बजट डेफिसिट को बेटा तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। आज हम लोग रेवेन्यू डेफिसिट को चर्चा करेंगे सर। देखना बेटा रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, आरडी के नाम से इसे जाना जाता है, रेवेन्यू डेफिसिट। जब गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट की रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसिप्ट से ज्यादा आती है, जब गवर्नमेंट की रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब वो
हर रोज का खर्चा गवर्नमेंट का, जो गवर्नमेंट को चलाने के लिए हर बार करना ही करना है, सैलरी देनी अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो पैसा खर्च होना है वो सारा का सारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है गवर्नमेंट का। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जब गवर्नमेंट के टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट से ज्यादा आ जाते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। तो आरडी का फॉर्मूला लगा दिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। ये कब अप्लाई होगा? जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मोर देन होगा रेवेन्यू रिसिप्ट से, मतलब गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा है और रिसिप्ट कम है। बेटा इसकी इम्प्लीकेशन समझना, इस इम्प्लीकेशन के लिए मैं ले रहा हूँ कि आपको ये आज एक टॉपिक लेंगे। इम्प्लीकेशन, रेवेन्यू डेफिसिट आता है तो इसका मतलब क्या है? तो रेवेन्यू डेफिसिट इंक्लूड्स ओनली दोज ट्रांजेक्शन दैट अफेक्ट द करंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। रेवेन्यू डेफिसिट में दो चीजें आती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट गवर्नमेंट की रेगुलर रिसिप्ट होती है जो उसने एक साल के अंदर अर्न किए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो गवर्नमेंट ने हर साल पे किए, जो साल साल भर का खर्चा गवर्नमेंट चुकाती है अपने एम्प्लॉइज को सैलरी, गवर्नमेंट को एडमिनिस्ट्रेट करने के खर्चे। तो रेवेन्यू डेफिसिट अगर आया तो इसका मतलब ये है कि हमारे बिजनेस की, हमारे गवर्नमेंट की करंट एक्सपेंडिचर ज्यादा है, करंट इनकम कम है। ये करंट इनकम और करंट एक्सपेंडिचर को ही रिप्रेजेंट करता है। हम इसके बेसिस पे ये नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट की अपकमिंग ईयर की क्या होगी या गवर्नमेंट की लास्ट टू लास्ट ईयर की क्या डेफिसिट था, इसे हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते। रेवेन्यू डेफिसिट केवल करंट इनकम और करंट एक्सपेंडिचर को ही अफेक्ट करता है, नंबर एक। नंबर दो, रेवेन्यू डेफिसिट इंप्लाइज दैट द गवर्नमेंट इज डिस सेविंग। समझ लो, रेवेन्यू घटा आता है, अगर गवर्नमेंट को रेवेन्यू डेफिसिट आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट के पास पड़ा हुआ जो पैसा है ना वो उसे डिससेव कर रही है। डिससेव मतलब सेविंग में से निकाल करके पैसा खर्च कर रही है। एंड इज यूजिंग अप द सेविंग ऑफ द अदर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी टू फाइनेंस एज अ पार्ट ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और गवर्नमेंट क्या कर क्या रही है, गवर्नमेंट अपनी सेविंग को यूज कर रही है, सेविंग को यूज कर रही है और जो भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो रहा है, कंजम्पशन मतलब जो भी गवर्नमेंट अपना पैसा खर्च कर रही है वो अपनी सेविंग्स में से निकाल करके खर्च कर रही है। और इन अदर वर्ड्स इट इंडिकेट दैट द गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग मोर देन द करंट इनकम। आसान भाषा में आपको यही लिखना है कि रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब ये है कि सरकार जितनी इनकम गवर्नमेंट की करंट ईयर की है उससे ज्यादा पैसा इस साल में खर्च कर रही है। आई बात समझ में? Revenue deficit implies that the government has to finance it from capital sources. समझना, ये बहुत important चीज़ है बच्चों। अगर सरकार को revenue deficit होता है, ठीक है, तो इसका मतलब सरकार जिस जितना पैसा कम पड़ा है, जितने रुपए का घाटा लगा है, वो घाटा कहाँ से कोप अप करेगी? सरकार या तो लोन लेगी या अपनी असेट को बेचेगी। तो कैपिटल रिसिप्ट से गवर्नमेंट जो है वो अपना रेवेन्यू डेफिसिट कंपनसेट करती है या एडजस्ट करती है, आप ये बोल दीजिए। ये बात समझ आती है? ये बहुत मस्त वाला पॉइंट है। इसके बाद चलते हैं बेटा हम लोग आगे। अ लार्ज रेवेन्यू डेफिसिट इंप्लाइज, अगर हमारा सबसे ज्यादा मतलब रेवेन्यू डेफिसिट बहुत बड़ा आता है तो इसका मतलब क्या होता है? लार्ज बोरिंग्स फॉर मीटिंग द एक्सपेंडिचर ऑन नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड वेरियस सर्विसेज। गवर्नमेंट के नॉर्मल डिपार्टमेंट्स को काम करने के लिए जो पैसा लगना है वो भी गवर्नमेंट उधार ले रही है। अगर आपका रेवेन्यू डेफिसिट लार्ज आ रहा है तो उसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट अपने नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए भी पैसा जो है वो उधार ले रही है। और अगर आपने ज्यादा मोटा पैसा उधार लिया गवर्नमेंट ने तो इससे आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। मतलब आपने अगर किसी से पेमेंट उधार लिया है तो बेटा आपको हर महीने उसका ब्याज भी तो देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर गवर्नमेंट लार्ज बोरिंग करती है तो इससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाता है आने वाले सालों का, क्योंकि उसे इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ता है और लार्जर रेवेन्यू डेफिसिट होता जाता है आगे आगे जाकर के। आई बस समझ में? नेक्स्ट पॉइंट, बोरोड फंड आर यूज्ड टू फाइनेंस कंजम्पशन रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट लीडिंग टू इन्फ्लेशनरी सिचुएशन इन द इकोनॉमी। हम जो पैसा उधार ले रहे हैं, उधार लेकर के अगर हम उसे किसी काम में लगाए तो अच्छी बात है। काम में भी लगा है, अच्छी बात तब होगी जब मेरा ब्याज पड़ रहा है मुझे 10% में और मैं उसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ और वहां से 15-20% का रिटर्न अर्न कर रहा हूँ, तब तो अच्छी बात है। लेकिन उधार लिया हुआ पैसा, उस उधार लिए हुए पैसे से गवर्नमेंट अपने खर्चों को चुका रही है, खर्चे बोले तो अपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को पे कर रही है। तो बेटा ये चीज जन्म देती है इन्फ्लेशन को, महंगाई को बढ़वाती है, क्योंकि सरकार के पास पैसा कम होगा, सरकार उधार पैसा लेगी तो लेगी, वसूलेगी कहां से वो पैसा? ऑब्वियस ही बात है, जनता से टैक्स के फॉर्म में। तो जनता से टैक्स ज्यादा लेगी तो महंगाई बढ़ जाएगी। तो बात यह है, दिस वुड मींस लोअर ग्रोथ एंड एडवर्स वेलफेयर इंप्लीकेशंस। और ऐसा करने से हमारे इंडिया की जो ग्रोथ है कम हो जाएगी, हमारे नेशन की ग्रोथ, और वेलफेयर जो प्रोग्राम्स है उसके ऊपर भी एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है,
बहुत आसान भाषा में, अगर सरकार का रेवेन्यू डेफिसिट आता है तो रेवेन्यू डेफिसिट को कम कैसे किया जाए? दो बहुत सीधी सी चीजें, गवर्नमेंट के जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसको कम कर दो, कर्टेल का मतलब होता है कम कर देना। तो आपको अपने गवर्नमेंट को अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम कर देना चाहिए। फॉर रिड्यूसिंग द रेवेन्यू डेफिसिट को रिड्यूस करने के लिए सरकार को अपना पैसा जो है वो अननेसेसरी और वेस्टफुल एक्टिविटीज के ऊपर नहीं खर्च करना चाहिए, ठीक है। और दूसरा है, रेवेन्यू डेफिसिट को अगर आपको कम करना है तो टैक्सेस ज्यादा लेनी चाहिए सरकार को, टैक्स बढ़ा दो, टैक्स बढ़ा दोगे तो गवर्नमेंट की रेवेन्यू बढ़ जाएगी, सुनो। तो ये दो मेजर्स हैं इस सिनेरियो में। बेटा आज का रेवेन्यू डेफिसिट वाला टॉपिक कंप्लीट होता है, कल फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट दोनों पढ़ेंगे, चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ठीक है बच्चों? समझ आया? बता दो, समझ आया? Yes, sir. बस इतनी सी क्लास है आज की, ज्यादा लंबी क्लास नहीं रखी है। आवाज नहीं आ रही है, मुझे वॉइस नहीं आ रही बेटा। हेलो, हाँ बेटा बोलो। नेट की प्रॉब्लम आ रही बच्चा, मुझे आप व्हाट्सएप कर देना अगर कोई डाउट हो, या कॉल कर देना इसके बाद क्लास की जस्ट बाद, ठीक है? मेरे नेटवर्क इशू हो रहा है पता नहीं क्यों। चलिए जी बच्चों, आज की क्लास हम लोग ऑफ कर रहे हैं, कल मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए बाय बाय।